रूमीना की बहन ने भी कह दिया कि दीदी आप थोड़ा रूड हो जाती है। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, सबके सपोर्टर्स आए हुए हैं घर के अंदर, किसी के सफल है किसी के विफल है। मैं यहाँ पर अनसक्सेसफुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर विलदारा सिंह आए हैं, एक स्ट्रांग सपोर्टर बनकर आए हैं, लेकिन उनकी इतनी चल नहीं पा रही क्योंकि राखी सावंत को समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन राखी सावंत है। सेम ऐसी जान कुमार के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि कहां एक तरफ निकी तंबोली के लिए फाइनली जान कुमार ने हामी भरी और वो बिग बॉस के घर में एक बार फिर से आई इतनी सारी चीजों को जाने के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी जान की सुनने की बजाय निकी अपनी ही करती है। इनफैक्ट अपनी चार बातें जो है वो जान को सुना देती है जो कि गलत है। अब यहाँ पर देखिए, बाकी तोशी जो है वो राहुल वैद्य और तोशी का बहुत अच्छा जा रहा है। जैस्मिन की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे जैस्मिन की, मैं लिटरली बोलू ना, जैस्मिन यहाँ पर बहुत मीन पर्सन नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर सुनिए कि आखिरकार ज्योतिका दिलेख ने क्या समझाया है रूबीना दिलेख को। पहले आपको बता दूं कि सुबह किचन एरिया में एक ऐसा वाक्य हुआ था जहां पर रूबीना जो है वो बाकी कंटेस्टेंट की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी सिवाय अपने पॉइंट रखने के। तो जब बाथरूम एरिया में, लगेज एरिया में, जब रूबीना और ज्योतिका अकेले में थे, कोई साथ में नहीं था, उस समय पर ज्योतिका ने इस बात को समझाया रूबीना को कि आप उस समय किचन वाले एरिया में जब आप बातचीत कर रहे थे तो दीदी आप वहां पर बहुत ज्यादा रूड हो रहे थे और यही चीज टेलीविजन पर आपकी रूड भी लगती है। जी हाँ, सो यहाँ पर देखिए आप एग्जैक्ट देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये चीजें आपको दिखाई जाएगी एंड मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज दिखाई जाए क्योंकि नैना जो है कहीं ना कहीं सही चीजों में गाइडेंस दे रही है यहाँ पर रूबीना को। ऐसा नहीं है कि वो उनको भटकाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि रूबीना कभी कभी रूट हो जाती है। उनकी बहन ने तो कह दिया यार अब तो मान लीजिए कि रूट तो हो जाती है, वो अपने पॉइंट सकती है, डोमिनेटिंग भी है, लेकिन इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर कोई इंसान किसी और से अगर अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सामने वाले के अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए कि वो उसकी बात ना सुनकर अपनी करके दिखाए। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में राय कि इस टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है। बाकी जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।